नमस्कार दोस्तों रांची समेत पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी तो कई जगहों पर अलर्ट भी जारी कर दिया है झारखंड में दोस्तों मानसून की एंट्री के साथ ही आप दोस्तों गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है तो कई जगहों पर भारी भयंकर बरसात हो रही है अगर आप भी रांची लोहरदगा लातार कोडरमा कुंटी जामताड़ा हजारीबाग गुमला गोडा गिरडी गढ़वा पूर्वी सिंहभूम दुमका धनबाद देवघर बोकारो चतरा सिमडेगा खरसा सरायकेला साहबगंज रांची रामगढ़ पलामू पाकुड़ समेत झारखंड में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना की आप झारखंड में कहाँ पर रहते हैं तो दोस्तों मौसम विभाग की मान तो झारखंड के शहर और आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार से तेज कहीं कहीं पर बूंदा तो कई जगहों पर जमसदपुर में भारी बरसात से लोगों को उमस भरी गर्मी से रात मिली राज्य के डालटनगंज में सबसे अधिक यानी कि उनचालीस डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया इसी तरह कोल्लान समेत झारखंड के अन्य जिलों में भी तापमान पैंतीस से अड़तीस डिग्री के बीच में रहा जमसदपुर का अधिकतम तापमान छत्तीस पॉइंट आठ सरायकेला खसाओं में अड़तीस पॉइंट एक पश्चिमी सिंहभूम में चौतीस पॉइंट चार रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पूर्वानुमान जताया कि राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात होगी जिसके कारण तापमान दो से चार डिग्री

मानसून प्रवेश करने का सही समय होता है पर जून का सप्ताह खत्म वाला है, अभी भी झारखंड के कई जिलों में, में, तो में गुरुवार को जमाझम जम बरसात हुई तो कई जगहों पर तापमान यहाँ पर डाल्टी में आठ के करीब भी रहा मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक के गढ़वा पलामू चतरा कोडरमा गिरिडीह देवगढ़ दुमका गोड्डा साहिबगंज पाकुड़ जामताड़ा धनबाद करो रांची लोहरदग्गा गुमला लोहरदगा कुंटी पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला में वज्रपात और बारिश को लेकर अलर्ट है येलो अलर्ट है तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चलेगी तो कई जगहों पर उतार चढ़ाव अधिक से अधिक देखा जा रहा है इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की तो दक्षिण मानसून झारखंड में अभी रूटा हुआ है मानसून झारखंड की ओर भी बढ़ रहा था और लेकिन बीच में अटक गया था फलस्वरूप झारखंड के पश्चिम बंगाल बिहार और अभी भी कई दिनों तक दोस्तों जो है ना झारखंड स्लो स्लो आगे बढ़ते हुए नजर आया अब दोस्तों अट्ठाईस तारीख से कई जगहों पर आज से येलो अलर्ट जारी किया आज से कई जगहों पर मौसम बदलेगा और तीस जून को उत्तर पश्चिम से और उससे सटे उत्तरी अनुकूल होगी झारखंड के विभिन्न हिस्सों में पदमा के दस पॉइंट दो चकुलिया में 9.4 पॉइंट चार mm, मिलीमीटर गढ़वा के केक्यू में 5.5 मिलीमीटर mm, गुमला के विष्णुपुर केविका के में 3.5 पॉइंट मिलीमीटर mm, मरकच्छो में 2.8 पॉइंट आठ mm, मिलीमीटर पत्रातू में 2.5 पॉइंट पांच मिलीमीटर कोडरमा के यहां पर डीवीसी में 2.2 पॉइंट

शरण ना ले क्योंकि दोस्तों बिजली चमकने के दौरान जो है खाद से देखने को मिल सकता है जान माल का खतरा देखने को मिल सकता है इसीलिए आप अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान जरूर रखिएगा वही दोस्तों अब झारखंड के एक एक जिले की बात की जाए तो लाहौर दग में 25-26 रात के समय दिन में 32 तैतीस शनिवार रविवार तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ चेतावनी जारी की गई है इसी के साथ लातेहार में सत्ताईस के समय दिन में तैतीस चौतीस शनिवार रविवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ मौसम मिला जुला भी रह सकता है इसी के साथ कोडरमा की बात किया तो तीन दिन छिटपुट रविवार सोमवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है उतार चढ़ाव जारी रहेगा तेज हवाओं के साथ परिवर्तन मौसम ठंडा

इसी के साथ दोस्तों यहां पर हजारीबाग में बादल छाएंगे उतार चढ़ाव जारी तीन दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट उतार चढ़ाव जारी और तेज आहू के साथ परिवर्तन बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है रविवार के दिन और भी ज्यादा भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट जताया जा रहा है मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर जो ना गुमला के मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी तेज आहू के साथ परिवर्तन मौसम ठंडा सोना रहेगा मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों के वजह के साथ परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है वही दोस्तों मौसम विभाग की मान तो यहां पर और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन होगा साथ में गोड्डा की बात की जाए तो शनिवार रविवार से भारी भयंकर बरसात और बिजली

आने वाले चौबीस घंटों के दौरान धनबाद के मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी रहेगा तेज आउ के साथ परिवर्तन मौसम ठंडा सोना मौसम रहने के साथ परिवर्तन होगा पर देवघर में दोस्तों दो दिन छिटपुट शनिवार रविवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट उतार चढ़ाव जारी रहेगा तेज आऊ के साथ परिवर्तन मौसम ठंडा सोना रहने के आसार है मौसम विभाग की मान तो बोकारो में पूरे सात दिन अच्छी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट उतार चढ़ाव जारी रहेगा तेज आव के साथ परिवर्तन है वह मौसम विभाग की मान तो चतरा में जो ना रविवार को भारी बरसात और बिजली चमक सकती है उतार चढ़ाव जारी रहेगा तेज हाव के साथ परिवर्तन मौसम ठंडा सोना रहेगा मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों के के साथ परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी रहेगा यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे जो ना मौसम विभाग की मान तो सिमडेगा में सात दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी उतार चढ़ाव जारी और शनिवार रविवार सोमवार तक भारी भयंकर बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है खरसाओं की बात की जाए तो खरसाओं में शनिवार रविवार तक भारी भयंकर बरसात और बिजली चमक सकती है बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट उतार

के साथ दोस्तों पूरे के पूरे पाकुड़ के मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी रहेगा और चार से पांच दिन भारी भयंकर बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है उतार चढ़ाव जारी तेज के साथ परिवर्तन और बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है वही दोस्तों मौसम विभाग की मान तो पूरे पूरे के झारखंड के मौसम में कल रात से काफी हलचल हुई है अधिक से अधिक जगहों पर, पर परिवर्तन भी देखने को मिला और बरसात की गतिविधियों के साथ अब गर्मी से रात भी कई जगहों पर देखने को मिलेगा आप कहां पर रहते पूरे झारखंड में किस जिले गांव क्षेत्र से वीडियो देख रहे कमेंट करके जरूर बताएगा